हेलो। हाँ, क्या कर रहे हो? मैं तो बस ऐसे ही बैठी हुई हूँ। आप बताओ क्या कर रहे हो? हाँ, कल मिलोगे क्या? हाँ, मेरा भी ऑफिस से छुट्टी था। और आप फ्री हो क्या? अच्छा जी, हाँ जी, कल मिलते हैं जी। हाँ, कहाँ जाना है? वैसे तो मुझे मंदिर जाने का बहुत मन हो रहा है। नया साल है तो आपके साथ मंदिर जाने में बहुत अच्छा लगता है। आप चलोगे मंदिर? हाँ ठीक है, ओके ठीक है, तो कल मिलते हैं। ओके बाय बाय। तो मैं कल उनसे मिलने जा रही हूँ। वाह, आई एम सो एक्साइटेड एंड आई एम वेरी हैप्पी, क्योंकि उनके साथ मंदिर में जाऊँ या रास्ते पे कहीं बात करूँ बहुत अच्छा लगता है। अगर आप किसी से प्यार करते हो ना, तो आप कहीं भी रुको, कहीं भी बात करो, आपके मन को शांति मिलती है और मंदिर जाने से बहुत ही एक सुकून भी फील होता है। तो मैं कल उनसे मिलने मंदिर जा रही हूँ एंड उसके बाद मार्केटिंग। सो चलिए, मैं उनसे मिलने कल जा रही हूँ। ओके चलो, मैं तो आ गई, अभी तक ये पहुंचा ही नहीं। चलो एक फोन करके देखती हूँ। हेलो, हाँ आप कहाँ तक पहुंचे? ओके ठीक है, मैं आपका मंदिर में ही वेट करती हूँ। ठीक है, तो वो फाइनली आ रहे हैं और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि हम लोग बहुत दिनों के बाद मिल रहे हैं। चलो मैं दिया को ही ठीक कर लेती हूँ आते समय, उसके बाद तो पूजा करना है। अच्छा आप आ गए? हाँ मैंने ये सब ठीक कर लिया। हाँ तो चलिए हम लोग पूजा करते, दिया जला लेती हूँ। तो चलिए पूजा करते हैं हम लोग। क्या हुआ, आज आप इतनी मौन व्रत में क्यों हैं? आप ऐसे चुप रहोगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। और आप तो जानते हो मुझे मंदिर आना बहुत पसंद है, मुझे भगवान जी की पूजा करना बहुत पसंद है। पर आप एक बात जानते हो, मेरे लिए तो भगवान आप ही हो। मेरी हर भगवान जी के हर मांगी हुई दुआ में सिर्फ आप ही हो। आपके सिवा मेरे जिंदगी में और कुछ नहीं चाहिए। ये दिया जो है, ये आपके नाम का होता है, हमारे मम्मी पापा के घर के नाम का। अगर आपको मेरे मंदिर आने से कोई अच्छा नहीं लगता तो आप ज़रूर बोलना, बट एक्चुअली मैं मंदिर आती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और वो भी आपके साथ जब मैं आती हूँ तब मुझे बहुत अच्छा लगता है, मन में शांति मिलती है, जैसे कि बहुत शांत होता है मन। ये जो दिया है और ये जो सिंदूर का टीका है, मैं हमेशा आप ही के नाम की लेती हूँ। हमेशा यही सोचती हूँ कि सिर्फ आप ही मेरे हो। और आप अगर ऐसे चुपचाप रहोगे तो मुझे बहुत ही अच्छा खराब लगता है। आप भी कुछ बोला करो, मैंने दिया जलाया है तो आप भी कुछ बोलो, ऐसे चुपचाप रहा मत करो, क्योंकि मेरे लिए आपका बोलना ही प्रत्येक शब्द में मुझे अच्छा लगता है। बहुत दिनों के बाद मिलती हूँ, इसीलिए मैं हमेशा सोचती हूँ कि पहले हम लोग मिलके भगवान जी की पूजा करें। और मेरे लिए, मैंने आपसे पहले भी कहा है कि मेरे लिए भगवान जी का जो मैं पूजा करती हूँ, वो सिर्फ मैं सिर्फ आप ही होते हो मेरी हर पूजा में। आपके सिवा मेरे कोई नहीं है। कुछ भी मैं सोचती, सोचने से भी मुझे डर लगता है। हे भगवान जी,
अगर मुझसे कोई गलती हुआ तो आप मुझे माफ कर देना, और आपको हमेशा भगवान जी खुश रखे, सही सलामत रखे, मैं यही चाहती हूँ। भगवान जी से तो मैं हमेशा यही प्रे करूंगी, जिससे मैं प्यार करती हूँ वो हमेशा खुश रहे। और मुझे मंदिर आना इसलिए पसंद है क्योंकि भगवान जी के सामने हम लोग सब कुछ कह सकते हैं, जो भी हमारे मन में होता है उनको पता हो जाता है। और वो भगवान जी, मैं आपको इसलिए मानती हूँ क्योंकि आपको मेरे बिना कहे हर बात पता होता है, और मुझे बहुत अच्छा लगता है। आपके सिवा मेरी जिंदगी में और कुछ भी नहीं है। आज आप इतने मौन व्रत में हो, मुझे बहुत खराब लगता है कि आप चुपचाप रहते हो। आप चुपचाप रहा मत करो, क्या हुआ तुम्हें? मैं ज्यादा बात करती हूँ ना, तो इसीलिए मुझे चुपचाप रहना चाहिए, आपको नहीं। आप तो बहुत अच्छे हो और आप हमेशा मुझे बहुत ही केयर भी करते हो, बहुत ही प्यार भी करते हो, बट मैं ज़्यादा बोलती भी रहती हूँ और आपको बहुत तंग भी करती रहती हूँ। अभी मैं ही मतलब बताती जाऊँ या आप भी कुछ बोलोगे? चलिए इसको पूजा का आरती लेते हैं। बाहर जाते। क्या हुआ तुम्हें? नहीं, सर्दी लगा है क्या? ऐसे ही सर्दी लगा हुआ है जी। नहीं, मुझे ना आपसे बहुत कुछ बात बोलना है। हमेशा सोचती हूँ मैं आपको बताओ, मोबाइल में बताओ, मैसेज करके बताओ, या तो मिलने से बताओ, बट मैं अभी बता ही देती हूँ। एक्चुअली मैं, जब आप मुझसे मिलते हो ना, जब आप मिलने की बात भी करते हो ना, तभी मेरा ना मन इतना खुश हो जाता है ना, मुझे बहुत अच्छा लगने लगता है। दिल में जो बेचैनी होती है ना, वो बेचैनी दूर हो जाती है। बहुत अच्छा लगता है जब आप मुझसे मिलते हो, मुझसे बात करते हो। मैं तो आपको हजारों मैसेज देती हूँ जिसका रिप्लाई एक ज़रूर आता है, पर वो एक मैसेज ही मेरे लिए लाखों के बराबर है। और मुझे आप बहुत अच्छे लगते हो, आप मुझे बहुत केयर करते हो, आप बहुत ही अच्छे हो, बिकॉज मैं कुछ भी नहीं बोलती हूँ फिर भी आपको समझ में आ जाता है। और इसी का नाम तो प्यार है, जो बिना समझे ही समझ जाते हैं। पर कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप अगर मैं आपकर आपको कुछ कह देती हूँ तो आप बात नहीं करते हो, और वो मुझे बहुत ख़राब लगता है। जैसे कि अभी आप ऐसे चुपचाप हो, मुझे बहुत दर्द होता है। सच में ऐसा लगता है कि मैं मर ही क्यों ना गई। बिकॉज ऑफ मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, एंड अगर आपको मुझसे अगर कोई गलती हुआ है तो मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि सॉरी, बट अभी कहती हूँ कि प्लीज़ आप मुझे एक हक कर लो। मेरी सारी जो मतलब जो मेरा बेचैनी होता है, जो होता है, वो सब कुछ एक हक से ज़रूर पूरा हो जाएगा। बिकॉज आई ऑलवेज विथ यू, आई ऑलवेज लव यू, एंड आई ऑलवेज मिस यू। एंड इसीलिए मुझे भगवान जी के मंदिर इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि मैं भगवान जी के मंदिर आकर आपसे मिलने का बात करती हूँ। मुझे अच्छा लगता है इसीलिए, क्योंकि भगवान जी के लिए तो आप मुझसे मिले,
आपसे मुलाकात हुआ, आप जैसे इतने अच्छे इंसान से मुलाकात हुआ, जिसकी वजह से आज मैं इस स्माइल के साथ आपसे बात कर रही हूँ और मेरे दोस्तों आप लोगों से भी बात कर रही हूँ। ये जो मेरा स्पेशल पर्सन है जिसे मैं बहुत ही ज़्यादा प्यार भी करती हूँ और बहुत ही झगड़ा भी करती हूँ, बट आई ऑलवेज वीट हिम बिकॉज ही इज़ माई सोलमेट एंड आई लव यू।